फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च, प्याज और आलू की सूखी सब्जी और बहुत ही टेस्टी सब्जी। तड़के के लिए एक प्याज मीडियम साइज़ का कट कर लिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच जीरा और 4 साबुत लाल मिर्च, ये हमारा तड़के का सामान है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है, सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपना सारा तड़के का सामान डाल देंगे जो हमने पहले से रेडी रखा था। प्याज को लाल होने देंगे, बीच बीच में इस तरीके से आप भी इसको इसे हिलाते रहिए। हमारा प्याज लाल हो चुका है, अब हम अपने आलू डाल देंगे, शिमला मिर्च और जो हमने प्याज काट के रखी थी ना मोटी मोटी, वो भी एक साथ डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। बीच बीच में इसको ऐसे हिलाते रहिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। ये 1 मिनट हो गए और हमारे आलू और शिमला मिर्च दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और ये गरम मसाला। हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच बीच में आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा, और इसको वापस से ढक दीजिए। मेरी आलू शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। आलू शिमला मिर्च प्याज की सब्जी तैयार है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।